हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं पर्थ स्टेडियम पर्थ के पिच रिपोर्ट के बारे में। आपको पता है कि बीबीएल के जो है यहाँ पे बहुत सारे मैचेज होने वाले हैं और बिग बैश में अभी जिस तरीके का मैचेज हो रहा है वो आप देखोगे बहुत एक आप कह सकते हो कि एक अनडायरेक्शनल जो है मैचेज हो रहा है। और आज जो है बीबीएल में अगर देखा जाए तो जो लोवेस्ट T20 स्कोर है वो जो है आज स्कोर हुआ है 15 पे ऑल आउट, और वो किया है सिडनी टंडन ने। हावेवर जैसा भी था मैच, हम लोग जो है काफ़ी अच्छे साइड पे थे और बहुत बढ़िया जो है प्रॉफिट बनाया। हम लोग विनिंग साइड पे थे, दोनों मैचेज जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो आपको देखने को मिला प्रॉफिट। तब बात करते हैं किस तरीके से जो है ये मैचेज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है और कैसे जो है पर्थ बिहेव कर सकता है। तो पूरा वीडियो को जो है लास्ट तक देखना, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है ऐसे वीडियो आते रहेंगे और आप जो है इनसे एक अच्छा सा जो है नॉलेज आप ले सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं, अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। और साथ में आप कॉल वीडियो सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है ये जो है आप शुरू कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्थ की। तो पर्थ की कैपेसिटी जो है वो 60,000 के आसपास है। लोकेशन जो है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम इस ग्राउंड की बात करते हैं तो इस ग्राउंड को देखोगे तो यहाँ पे ग्राउंड जो है वो आपको एक बैटिंग ग्राउंड पिच जो है वो दिखाई देगा। बैटिंग ग्राउंड पिच क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पिचेज जो है वो देखोगे तो एक तो बाउंसी विकेट जो है वो ऑफकोर्स सारे ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेंगे, उसमें जो है आप कुछ कर नहीं सकते। और बाउंड्री एरिया भी जो है वो बहुत ही बड़ा तो यहाँ पर नहीं रहता, मीडियम साइज़ का जो है बाउंड्री रहता है यहाँ पर। तो उस हिसाब से अगर शुरुआत में देखोगे तो जब जब बॉल जो है एक अच्छा सा बाउंस होता है तब तक आप देखोगे कि बॉलर को जो है वो मदद मिलेगा, लेकिन उसके बाद से जब बाउंसिंग जो है जैसे बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाता है, बाउंस होना जो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वैसे सीनरी में यहाँ पर रन जो है काफ़ी अच्छा खासा बनता है। और अगर हम लोग देखा जाए कि यहाँ पे टारगेट जो है तो अगर 160 के अबव टारगेट जाता है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो है एक तरीके से वो टारगेट डिफेंड होने के चांसेस जो है वो बन सकता है जैसे अगर ग्राउंड है उसके हिसाब से। इसलिए हम लोग डायमेंशन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि ग्राउंड जो है बहुत ही बड़ा सा जो है ग्राउंड है, और आपको पता है कि पर्थ स्कॉचर्स का जो है यहाँ पर कल मैच होने वाला है उसका होम ग्राउंड है। तो ऑफकोर्स अब पर्थ जो है ग्राउंड वैसा ही बनवाने वाला है, क्योंकि पर्थ जो है ग्राउंड बनवाएगा तब ग्राउंड जो है वो ऐसा ही रखेंगे जैसा जो है उनकी टीम के लिए फेवरेबल हो। तो आप पर्थ का स्क्वाड उठा के देख सकते हो कि पर्थ में फास्ट बॉलर ज़्यादा दमदार हैं कि स्पिनर ज़्यादा दमदार हैं। अगर फास्ट वाले ज़्यादा दमदार हैं तो समझ लेना कि पिच जो है वो फास्ट बॉलर को मदद देगा, और अगर स्पिनर ज़्यादा दमदार हैं तो समझ लेना कि स्पिनर जो है वो ज़्यादा यहाँ पे मदद मिलने वाला है, ये सिनेरियो जो है रहने वाला है। अब हमारे एनालिसिस के हिसाब से जो है यहाँ पे कौन सा जो है वो एक अच्छा सा बिहेव जो है वो कर सकता है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। तो आप देखो कि सिनेरियो में अगर हम लोग सबसे पहले लेते हैं बैट्समैन का, तो बैट्समैन के सिनेरियो में जो है जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इंटरनेशनल में से जो है पिछले जिसके अच्छे चल रखे हैं वो जो है यहाँ पे एक अच्छा सा प्रदर्शन कर सकता है जिस तरह का ग्राउंड है उसके हिसाब से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बॉलर की, तो बॉलर के हिसाब से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बॉलर जो है वो इम्पैक्टफुल हो सकता है शुरुआत के जो एरिया होगा वहाँ पे, और जब बाउंस जो है विकेट करेगा तब। इसके अलावा जो है वो आपको स्पिनर जो है मिडिल ऑर्डर में जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं जिस तरह का ग्राउंड है। हमने पिछले साल भी जो है पर्थ में बहुत सारे मैचेज जो है वो देखे हैं। पर्थ में जो पिछले साल का मैचेज हुआ था, पिछले साल वैसे भी जो है कोरोना का टाइम था तो उस समय क्राउड तो वैसे भी जो है उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब वहाँ पर मैचेज हो रहे थे तब देख रहे थे कि बॉल जो है शुरुआत में जो है बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा था और उसके बाद से बॉल जो है वो फंस रहा था बार बार। तो उस सिनेरियो जो है आपको अभी भी जो है वो देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेथ ओवर बॉलिंग। आप देखो तो डेथ ओवर बॉलिंग में तो कहीं भी चले जाओ विकेट जो है वो एक दो तो गिरता ही है, तो देखना कि कौन सा बॉलर जो है वो डेथ ओवर में काफ़ी एक वेरिएशन वाला बॉलिंग करता है उस ग्राउंड पर जो है काफ़ी इफेक्टफुल हो सकता है, तो आप उसको जो है पिक करके चल लेना। ये सिनेरियो जो है आपको यहाँ तक का रहने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं इस ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा। देखोगे हाइएस्ट रन जो है यहाँ पे पर्थ ही बनाया है और वो बनाया है 213 रन, तो आप कहोगे नहीं कि बहुत ज़्यादा हाइएस्ट है, लेकिन 213 रन भी जो है बहुत कम नहीं होता है, 213 रन काफ़ी अच्छा रन होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो चेसिंग और डिफेंडिंग दोनों जो है वो पॉसिबल हो सकता है जिस तरह का ग्राउंड है, और अगर थोड़े से अच्छे रन बन जाते हैं 170 के आसपास यहाँ पर रन चला जाता है तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि चेसिंग जो है वो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होते हुए नज़र आएगा। अगर यहाँ पे 150 के आसपास रहता है तो चेसिंग जो है वो बढ़ सकता है, और इसे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि पिछले जो 10 मैच इस ग्राउंड पे हुए हैं उन 10 मैचों में सिर्फ 3 मैच जो है वो चेस हुआ है, 7 मैच जो है इस ग्राउंड पे डिफेंड हुआ है, और जो डिफेंड हुए हैं उन सब में जो है 150 से ऊपर जो है वो स्कोर था। जो चेस हुए हैं उनमें भी जो है 150 से स्कोर जो है अब एक दो देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो चेसिंग की तरफ जो है ग्राउंड झुका रहता है। इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे यहाँ पर मैसेज होते जाता है बैटिंग जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाता है, लेकिन बॉलर जो है थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्टफुल यहाँ पर होते जाता है। ये सीनरियो जो है आपको यहाँ पर देख के चलना पड़ेगा।
इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अगर T20 का स्टेटस देखते हैं तो पिछले जो है 7 मैचेस यहाँ पे जोहर में से सिर्फ 2 जो है फर्स्ट ओवर जीता है और 5 जो है चेस हुआ है। ये इंटरनेशनल मैचेस की बात हो रही है, इंटरनेशनल मैचेस में यहाँ पे चेसिंग ज़्यादा प्रीफरेबल है और एवरेज स्कोर भी आप देखोगे तो पिछले 7 मैचों में 134 है। आप इसे अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादा रन जो है वो अभी तक उतने ज़्यादा नहीं बना है। अगर यहाँ पर देखोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी टीमें खेली है, जो टीमें हैं वो नॉर्मल टीमें ही जो है यहाँ पर खेली है। और स्कोरिंग भी आप देखोगे तो दिखाई देगा इंटरनेशनल मैचों में जो 150 से 150 से नीचे पिछले 7 मैचों में से जो रन 150 से नीचे ही बना है यहाँ पे। और डोमेस्टिक मैच की बात करें, डोमेस्टिक में 21 मैचेज हुआ है जिनमें से आप देखोगे तो आपको डाटा जो है सीधा उल्टा दिखाई देगा, और 21 मैचों में से जो है 13 जो है फर्स्ट बैच जीता है और 8 जो है सेकंड बैच जीता है। और पिछले 10 मैचों में से उठा लो, लास्ट के जो लास्ट 10 मैचेज हुए हैं उनमें से देखोगे तो 7 जो है वो डिफेंड हुआ है, यानी कि उसके पहले के जो 11 मैचेज थे उसमें से जो है सिर्फ जो है वो 6 डिफेंड हुआ था। तो ये सीनरीज आपको देखने मिलेगा, हालांकि एवरेज स्कोर जो है इसका काफ़ी अच्छा है, 170 के आसपास है। और अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की एक बार बात कर लेते हैं तो आप देखो जो इसका मेन स्कोरिंग एरिया रहा है वो रहा है इस वाले एरिया में, 70 से जो है 190 के बीच में जो है वो ज़्यादा यहाँ पे रन बने हैं। और ये वाला जो एरिया है, ये इस एरिया के बीच में अगर रन आता है तो आप इमेजिन करके चल सकते हो कि यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर चांसेज है कि मैसेज जो है वो डिफेंड होने के चांसेज यहाँ पे बढ़ जाता है। तो होप सो कि ये एनालिसिस जो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े होते हैं जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, साथ में आप कॉल वीडियो सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो। और हाँ, एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि बहुत सारे जो है वो फेक अकाउंट जो है वो मेरे नाम पर बन गए हैं कॉर्पोरेशन से, तो देखना कि ये जो है पूरा एग्जैक्ट URL जो है वो मैच करे, लास्ट में कोई एस ना हो या फिर इधर कुछ ना हो, सीधा कॉल फॉर प्रिडिक्शन जो है ये सीधा सीधा जो है आपको देखने को मिलेगा, इसी को जो है ज्वाइन करना और बाकी जो फेक है वो जो है ज्वाइन मत करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।